अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, दिस इज़ सुफियान, वेलकम बैक टू समथिंग न्यू। तो यार बॉयज़ कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक हो गए। तो यार लास्ट टाइम जो मैंने जहाँ से गेम छोड़ा था, मैं वहीं से गेम स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे फ़ोन बज रहा था तो मैंने आके अपने अंकल का फ़ोन उठाया है। उन्होंने बताया कि भाई कोई स्टॉर्म आ रहा है, तो आप लोग देख सकते हो किस तरह ख़तरनाक स्टॉर्म आ रहा है। तो उन्होंने कहा भाई आप छुप जाओ जाके, और ये स्टॉर्म जो है बहुत तबाही मचाएगा, और उसके बाद जो है आपको साफ़ सुथराई भी करनी पड़ेगी। अब आप अंदर हो तो आपको जो है ये स्ट्रॉन्ग बहुत नुकसान वगैरह पहुंचाएगा। मैं जब तक यहाँ थोड़ी बहुत सफाई करता हूँ और ये देखता भी हूँ कि क्या सिनेरियो है। स्ट्रॉन्ग तो आ रहा है, उन्होंने कहा भाई आप छुप जाओ अंदर, और ये बहुत ज़्यादा सफाई गंद करके जाएगा स्ट्रॉन्ग, तो आपको सफाई भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। वहाँ मेरी डिलीवरी की गाड़ी भी आई हुई है। मैं यहाँ अंदर फ़िलहाल छुप जाता हूँ जब तक मैं इस कस्टमर का जो है थोड़ा पे कर देता हूँ, मतलब ये कैश बना देता हूँ। अब ये स्ट्रॉम जो है बहुत ज़्यादा गंद मचा के गया आई थिंक। अब उस तरफ ओ भाई काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ आई थिंक। लेट्स सी, अभी देखते हैं क्या स्ट्रॉम जो है क्या नुकसान करके गया है। और एक न्यू ईमेल भी आई हुई है, मैंने वो भी नहीं पढ़ी। तो इस कस्टमर को फारिग करके मैं चलता हूँ, जल्दी से जाके अपनी डिलीवरी कलेक्ट करता हूँ। उसमें गैरेज का काफ़ी सामान मंगवाया है मैंने। पास कंप्लीट हो गई भाई, बाय द वे आंसर कॉल का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन उससे पहले मैं डिलीवरी कलेक्ट करने जाऊँगा क्योंकि मेरे पास गैरेज में बिल्कुल भी प्रोडक्ट्स नहीं है। अब यहाँ पर भी प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे ख़त्म हो गए, पैसे नहीं थे तो मैंने मंगवाया नहीं, तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग जो है वो हमारा क्लियर हो चुका है। जल्दी से चलते हैं, पहले डिलीवरी कलेक्ट कर लेते हैं। आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। हॉर्न क्यों बजा रहे हो? चलो जी, सो लेट्स सी। दैट'ल डू। ये मैंने यहाँ लगा दिए हैं और इसको बंद कर देता हूँ। जल्दी से ये चाचा जाएं तो मैं गेट बंद करूँ। हमारा वर्कर को देख के आते हैं इतने में क्या कर रहा है यार। ये तो यहाँ पे बैठ के ड्रिंक कर रहा है, इसकी एनर्जी बढ़ रही है आराम आराम से। अच्छा इसकी सैलरी भी रहती है, मुझे इसका डेब्ट्स भी पे करने हैं, वो भी पे करता हूँ। अपनी मेल भी देखते हैं जाके और फ़ोन कॉल भी रिसीव करते हैं जल्दी से जाके। कस्टमर आया हुआ है गैराज पर, चला गया आई थिंक। तो मैं गैराज, सब्र कर जाओ चाचा। तो मैं गैराज पर जो है जल्दी से टायर वगैरह अपने प्लेस कर देता हूँ, तो पुराना टायर हाथ में आ जाता है हमेशा। मैंने 10 टायर मंगवाए, 10 के 10 ही मैंने यहाँ लगा दिए, और मैंने कुछ मिरर भी मंगवाए थे 10, वो भी मैंने यहाँ सारे के सारे लगा दिए। मेरे पास ये ट्यूब्स भी ख़त्म हो गई हैं, ये ट्यूब्स भी मंगवाऊंगा, और फ्यूल भी ख़त्म हो रहा है आराम आराम से। फ्यूल भी मंगवाना है, स्टेशन को अपग्रेड भी करना है सारे को, वो भी हैंड टू हैंड अभी करते ही रहेंगे। आप लोग जुड़े रहो मेरे साथ और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को भी लाइक करो, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते। जल्दी से चलते हैं, अब जाके अपन अपना फ़ोन कॉल अटेंड करते हैं। गन तो नहीं हो गया ना? नहीं हुआ। अभी मैं वर्कर को बुलाऊंगा, एक और उसका ट्रेलर भी खरीदते हैं, लेकिन पहले देखते हैं मैं अंकल क्या कहते हैं। लेट्स सी। फाइनली इट्स ओवर। फाइनली इट्स ओवर। वेयर वाज आई? ऑलराइट। फाइनली वी आर फाइन। आई नीड योर हेल्प एंड वी हैव टू बी फास्ट अबाउट इट। लिटिल बर्डी टोल्ड मी दैट समवन इज पासिंग थ्रू रूट 66 विद क्वाइट वैल्यूएबल कार्गो। यू नो हाउ टू पिक लॉक? यू नो हाउ टू लॉक पिक, राइट? पिक ओपन। जस्ट crack trunks. open a few trunks of course you don't have to participate I've got other ways of getting what I need don't you want to make your uncle happy bhai uncle hamare itne harami hai dekho hame keh rahe hain aap chori karo theek hai in logon ki gaadiyon ke trunk mein se ab main kuch nahi kar sakta uncle ne order diya aur uncle bol rahe hain tumhe apne uncle ko khush nahi karna unke liye tumhe karna padega so ab अब सबसे पहले सिनेरियो ये है कि यहाँ पे आ गया चैलेंज, हमें गाड़ियाँ रिफ्यूल करनी है 100, शॉप कस्टमर 250 लेने हैं, गाड़ियाँ रिपेयर करनी है 25 और टिप्स 100 लेनी है। अब ये सारा काम करने के जो दौरान है ना, हमें करना है कि ये कि लॉक पिक से गाड़ियों में से चोरी भी करनी है, सो वो तो करते ही हैं। और रिमेनिंग कार्स 10, अब हमें 10 गाड़ियाँ जो हैं रिफ्यूल करनी है 10 मिनट के अंदर, तो उससे हमें कुछ बोनस वगैरह मिलेगा। नहीं, गाड़ियाँ जो हैं वो यार ये पता नहीं क्या किस चीज़ का चैलेंज आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर ये चैलेंज तो जो बड़ा वाला चैलेंज है ये तो अपना टाइम टू टाइम चलता रहेगा,
लेकिन मैं ब्लॉक पिक से गाड़ियों में से चोरी भी करता हूँ, देखता हूँ क्या सिनेरियो बनता है। इसके कितने टायर ख़राब हैं? 2 टायर ख़राब हैं, 2 शीशे ख़राब हैं। भाई जल्दी से इनका मैडम काम पहले काम कर देते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से अब मुझे कस्टमर कैश काउंटर पे, कितने कैश काउंटर पे 3 कस्टमर हैं। तो मैं यहाँ से कंप्यूटर एक्सेस करके एम्प्लॉई को कहता हूँ कि भाई तू फारिग नहीं बैठ, टास्क लिस्ट में आ और रजिस्टर संभाल। अब वो आएगा जल्दी से आके रजिस्टर पर अपना काम शुरू कर देगा ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है भाई, ये टायर चेंज कर देते हैं जल्दी से इसके। उसके बाद मुझे फ्यूल भी मंगवाना, आई थिंक फ्यूल भी ख़त्म हो चुका हुआ है। लेट्स सी, टायर इसका बाकी एक रह गया। गैराज में ना हमें सबसे ज़्यादा कमाई है, गैराज में जो हम पार्ट्स बना के दे रहे हैं ना उसमें हमें सबसे ज़्यादा अर्निंग है। फ्यूल में भी इतनी नहीं है, कैश रजिस्टर में भी इतनी नहीं है, उनमें ख्वारी बहुत है, इसमें ख्वारी कम है थोड़ी सी, लेकिन इसमें अर्निंग बहुत ज़्यादा है। अभी देखना ये बंदी ठीक ठाक पे करके जाएगी हमारे, इसमें सारे डेप्ट वगैरह निकाल के सब कुछ करके, समझ रहे हो बात को। ये देखो $360 इसने मुझे पे किए। अब हमारा जो वर्कर है वो कहाँ है? पहुँच गया है वो आई थिंक। अब यार अभी तक आया नहीं आया भाई अभी तक। हम जल्दी से पहले कस्टमर, लेकिन वो क्यों नहीं आया अभी तक? उसको आई थिंक मैंने पे नहीं किया यार। सब्र, टास्क लिस्ट को छोड़ते हैं, पहले पेमेंट में जाके उसको पे करते हैं। ठीक है, पे हो गया, अब तो आएगा। हैंडल द रजिस्टर, अब आ जा भाई। और फ्यूल कितना पड़ा हुआ है मैं एक मिनट देख लूँ, वरना मैं फ्यूल की डिलीवरी भी कर दूँ। फ्यूल भी थोड़ा सा बचा है, 200 डिलीवरी में मंगवा लेता हूँ, $380 का आ रहा है। ठीक है, फ्यूल भी मैंने भर के मंगवा दिया और अब मेरा ख्याल है वर्कर हमारा आ रहा होगा। अब आ रहा है, उसको हमने पे कर दिया ना, अब आ रहा है, वो इनको हैंडल कर लेगा। जब तक मैं फ्यूल वाले कस्टमर्स को फ्यूल भर देता हूँ। थैंक यू मैम, इनको मैंने जल्दी से फ्यूल भर के दे दिया। अब हम चलते हैं अपनी चोरी चकारी करने। चलो जल्दी से, अब ये कस्टमर अंदर है, जब तक हम इनकी गाड़ी से पैसे चोरी करते हैं। लॉक पिक कहाँ है? ये रहा, ट्रंक लॉक्ड। अच्छा, ये ट्रंक जो है मैंने घुमाया तो था, समझ रहा ना वॉइस। घूम रहा। अबे नहीं यार, खबर फिर से निकल गया। ओ भाई, अबे ये क्या सीन हो गया, गाड़ी का अलार्म बज गया भाई। जल्दी से मैं पहले फ्यूल की डिलीवरी लेता हूँ। अबे आंटी आ गई गाड़ी पे, भाग रही है ये, रेटिंग गिरा के जाएगी यार ये। खबर, मेरे से ट्रंक ओपन नहीं हुआ, वो मैं करता हूँ। जॉन यहाँ पे लगा हुआ है, मैं जब तक थोड़ी सी सफाई कर लेता हूँ। खबर सबर, अभी सब कुछ करते हैं, टेंशन नहीं है, सफाई ज़रूरी है वरना रेटिंग अच्छी नहीं मिलेगी। अबे मछली खा के यहाँ फेंक के गए, हालत देखो यार। दिस इज रियल फिश बॉयज। फ्यूल वाला आ गया, पीछे हॉर्न पे हॉर्न है लोगों के। ठीक है भाई, इसको जॉन देख रहा है, मैं फ्यूल वाले को देख लेता हूँ। फ्यूल अब मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गया है, जल्दी से चलते हैं, इस गाड़ी का लॉक पिक खोलने की कोशिश करता हूँ। खुल गया, थोड़ा सा और, ये खुल गया। ओ भाई $15 मिले, वाह यार ये अच्छा तरीका है। और बंदा भी आ गया भाई, उसने पकड़ा नहीं। इतने हॉर्न किस चीज़ के हैं? गाड़ियाँ फंस गई हैं भाई, मुझे लग रहा है पार्किंग कम पड़ रही है, गाड़ियाँ आई थिंक फंस रही हैं और पार्किंग जो है वो कम पड़ रही है, समझ रहे हो बॉयस। यार आप लोग जाओ चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, बड़ी मज़े की गेम जा रही है वैसे मेरी। मेल में देख लेता हूँ मेल क्या आई है, मेल काफ़ी पुरानी आई हुई बाय द वे। सैंडस्टॉर्म की भी आ गई, अ बिग फेवर। अच्छा ये वही कह रहा है कि भाई अब आई वॉन्ट टू सर्टेन नंबर ऑफ कार्स कमिंग बाई योर ट्रंक्स। ठीक है, हम कर तो रहे हैं। अब वो इस सबसे ज़रूरी जो काम करना है वो मैं ये करना है कि हमें अपनी यहाँ की आइटम्स रिफ़िल करनी है। ठीक है, अब उनके शेल्फ्स की जो है वो बनेगी सेटिंग, तो वो मैं बनाता हूँ। वो मैं कैसे बनाता हूँ? अब जो ये वाइन वाला है,
ये दो तो यहाँ पड़े रहे, ठीक है, सिगरेट्स वाला यहाँ। अब इस वाइन वाले को मैं उठा के यहाँ पीछे फिट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हम इसके साथ एक और वाइन वगैरह वाला भी लगा देंगे, और ये जो आइसक्रीम वाला है इसको उठा के मैं इधर रख देता हूँ, ठीक है, लाइन में। अभी हम जैसे अपने हिसाब से सेटिंग बनाएंगे ना सारी, तो सही है, क्योंकि ये सारे रहेंगे ऑर्गेनाइज। मैं आउटसाइड रख भी नहीं रहा हूँ, इधर करके रखता हूँ, जैसे वहाँ से चीज़ें उठाने की थोड़ी जगह हो, ठीक है ना बॉयज़। अब मैं दूसरे शेल्फ परचेज, बल्कि क्या करूँ, मेरे पास हैं तो सही, उन शेल्फ्स को मैं लगाता हूँ यहाँ, यहाँ लाइन से लगाता हूँ अभी आराम आराम से करके। ये शेल्फ में आए, ये वाला है भाई न्यूज़पेपर का शेल्फ, न्यूज़पेपर भी हमारी अच्छी खासी बिक जाएंगी आई थिंक, लेट्स सी कौन खरीदता है। शेल्फ सही नहीं लग रहे, इस गेम के मैकेनिक्स थोड़े से आउट हुए हैं। और ये है कार के पार्ट्स का ना, इसको मैं लगाता हूँ इसके साथ इधर, इसको ज़रा उठा के बस सेट करके लगाता हूँ, क्या पता लग जाए, रोटेशन बहुत ज़्यादा हो रही। चलो जी, अब इनके लिए हम डिलीवरी मंगवाते हैं, और यहाँ वाइन भी आ गई, वाइन का एक और शेल भी ख़रीद लेता हूँ। फ्यूल कस्टमर्स को मैं कर देता हूँ जॉन, वहाँ पे जो है कैश रजिस्टर संभाल रहा है। गैराज वाले को भी जाके देख लेते हैं, थैंक यू मैन। चलो जी, जॉन खड़ा हुआ है ना, हाँ ठीक है, जॉन अभी एनर्जेटिक है। गैराज वाले कस्टमर को बाद में देखते हैं, पहले थोड़ी चोरी कर लेते हैं। चलो जल्दी से, मेरी ये गाड़ी खुल नहीं रही, क्या सीन है, ये वाली गाड़ी की डिग्गी नहीं खुल रही, ये वाली गाड़ी की भी डिग्गी नहीं खुल रही। अच्छा इसका आगे से है भाई, खुल रहा था इस तरफ यार, जब ये अटक जाता है ना तो मसला करता है, पता नहीं क्या इशू आ गया सब। खुल रहा खुल रहा खुल रहा, बंदी तो ट्रक वाली आई है, इस वाली गाड़ी की तो नहीं आई ना। अच्छा लॉक्ड मास्टर लिखा हुआ है भाई, मतलब ये नहीं खुलेगा, लॉक्ड मास्टर लिखा हुआ है, लॉक्ड इंटरमीडिएट। खुल रहा बॉयज, ये खुल जाएगा, खुल तो गया था यार, ऑलमोस्ट उसका ऑनर आ गया गाड़ी का। जा यार जा, ये बिगिनर लेवल का है, कुत्ते की तरह अलार्म बजाता हुआ जा रहा है। इस तरफ करने से खुल रहा है बॉयज, थोड़ा सा और, ये लाइक दैट। $4.77 मिले, पुलिस वाले की गाड़ी में से चोरी करें, खबर कर जाओ, अभी करते हैं। जॉन अभी एनर्जेटिक है, सफाई में थोड़ी सी कर देता हूँ। शेल्फ बिल्कुल खाली हो गए, देख रहे हो, सामान बहुत बिक गया है। मुझे प्रोडक्ट्स यहाँ के भी मंगवाने, मंगवाता हूँ। आइसक्रीम के प्रोडक्ट्स पड़े हुए फिलहाल, आइसक्रीम में मैं जितनी लगा सकता हूँ फिलहाल लगा देता हूँ, फिलहाल आइसक्रीम ही बिके। सही है, अब मेरे पास पैसे कितने हैं, $849, ठीक है। अब कस्टमर जो गैराज पे आया था आई थिंक चला गया होगा, अभी मुझे गैराज पे जाने की मोहलत मिल रही है तो कस्टमर नहीं है। वाह यार, पुलिस वाला आ गया, वरना इसकी गाड़ी में से मैं थोड़ी बहुत चोरी मार ही लेता। दोनों पुलिस वाले आ गए, एक पुलिस वाला अंदर अभी जा रहा है, तो इसकी गाड़ी में से हम चोरी करने की कोशिश करते हैं, क्या पता पुलिस वाले के पास माल ज़्यादा हो। लेट्स सी, ये अब खुल जाना चाहिए, सब्र थोड़ा सा ऊपर, खुल गया बॉयज, $13 मिले यार, ये सही है यार, कुछ ना कुछ मतलब ठीक ठाक पैसे मिल रहे हैं फिर भी। लेकिन ये मास्टर लॉक है, इसको हम नहीं खोलते, ये मास्टर लॉक था। इस तरह तो यार फिर सही हमारा जो है काम बन जाएगा बॉयज, समझ लो ना बात को, इसको मैं। चल भाई, चलो जी, ओके थैंक यू मैन। अभी हमारा हैंड टू हैंड चैलेंज भी पूरा हो रहा है, और हम अपना काम वाम भी कर रहे हैं, ठीक है ना बॉयस। आज एक नई चीज़ भी आई लॉक पिक वाली, अब मैं ज़रा यहाँ से सफाई कर लेता हूँ, ये बैग हटा देता हूँ, वरना रेटिंग गंदी होगी, समझ लो बात को। अब हम सबसे पहले काम करते हैं, अपना एम्प्लॉय दूसरा हायर करते हैं, उसके लिए मैं ख़रीदता हूँ टेलर सबसे पहले। जब मैं टेलर ख़रीदूँगा ना तो मैं एक और एम्प्लॉय हायर कर सकता हूँ, इतने में जॉन को हम बेच देंगे
अपना रेस्ट करने के लिए, ट्रेलर खरीदने के लिए $349 हमें पे करने पड़ेंगे, ठीक है। एक और ट्रेलर खरीद लिया, देख रहे हो दूसरा। अब इसके लिए हम एम्प्लॉय हायर करेंगे। हायर में जाके रिकार्डो फ्यूलिंग मारिया, फ्यूलिंग इसकी अच्छी है, इसकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो भाई हम रिकार्डो को ही रखते हैं, बात है सीधी। अब रिकार्डो को मैं लगाता हूँ फ्यूलिंग के काम पे ना, ऐसे ही ना बॉयस, फ्यूल करें गाड़ियों को, सही है, आ जाओ। और इन भाई के जो हैं पैसे बनते हैं, मैं इनको पे कर देता हूँ जैसे ये खुश रहें, पे ऑल, ठीक है भाई, ये खुश रहेंगे नेक्स्ट टाइम काम करने आएंगे। और ये चला गया होगा अभी, ये वाला एम्प्लॉय अभी भी खड़ा हुआ है, इसकी थोड़ी बहुत एनर्जी है अभी। गाड़ियों को फ्यूल आके वो करेगा, रिकार्डो नाम है उसका, मैं सफाई कर लेता हूँ। काम मिल बांट के होगा ना तो स्टेशन गिरो करेगा। गैराज में एक कस्टमर है, उसको देखता हूँ, तगड़ी पार्टी आई होगी। गैराज वाले भाई अच्छे कस्टमर हैं, और मुझे सप्लाईज मंगवानी है तो मैं सप्लाईज भी मंगवाता हूँ, ठीक है ना बॉयस। शेल्स भी लगाने हैं, अच्छे खासे शेल्स और लगाने हैं, जैसे स्टेशन थोड़ा भरा भरा हुआ लगे। पार्टी बस आ गई ना, उसके कस्टमर आते हैं ना पार्टी बस के, वो तो भाई पूरा माल लेके चले आते हैं समझो। पार्टी बस आई नहीं और आपका माल गया नहीं। गैराज वाले कस्टमर को डील करके उसके बाद हम डिलीवरी मंगवाते हैं, टेंशन ही नहीं है। ये आ गए इधर, इसका ख़राब क्या क्या है, गंदा टायर उठा के बाहर फेंक देता हूँ। यार यहाँ मेरे पास बहुत सारे टायर जमा हो गए, देखो मुझे यार इसके तो 1, 2, 3 टायर ख़राब हैं, एक शीशा ख़राब है और स्क्रैच भी है। तगड़ी पार्टी है भाई, अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा इसका। गाड़ियाँ रिफ्यूल हो रही हैं, मेरा ख्याल है हो रही हैं, लेकिन कैश रजिस्टर पर अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है। जॉन थक गया है, लेकिन गाड़ियाँ रिफ्यूल हो रही हैं, हाँ सही है, रिफ्यूलिंग हो रही है गाड़ियों की। ये जो इसमें कार मैकेनिक सिमुलेटर वाला काम है ना, ये जो है बस मुझे जहर लगता है ये वाला काम। खैर करना तो है ना, अब पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है इस गेम में, पैसा होगा तो आपका स्टॉक होगा, स्टॉक होगा तो आप सब कर सकते हो। चलो जी, और इसका एक मिरर भी चेंज करना है, उसके बाद स्क्रैच रिमूव करना है। चलो जी ठीक है, अब इसका मिरर चेंज करते हैं, उसके बाद इन भाई के करने हैं हमें स्क्रैचेस रिमूव। मिरर पल्ली साइड वाला है, सॉरी यार बॉयज़, गला थोड़ा ख़राब है, बोल बोल के ना थक जाता है। जल्दी से भी इधर से स्क्रैच रिमूवर उठाते हैं, और परले साइड का इसका डोर ख़राब है। स्क्रैचेस पे इस तरह पेन यूज़ करेंगे ना, स्क्रैचेस चले जाएंगे, समझ रहे हो बात को। $450, ओए होए होए, क्या बात है, तगड़ी कमाई। अच्छा फ्यूल पे खड़ा हुआ रिकार्डो, फ्यूल पे रिकार्डो बिल्कुल खड़ा हुआ है, 100% काम कर रहा है वो। अच्छा कैश काउंटर पे कस्टमर, अरे कैश काउंटर पे जोन भी खड़ा हुआ है भाई, एनर्जेटिक लगा पड़ा फुल। सैलरी -0.34, बल्कि ये क्या सीन है, मतलब क्या भाई, इसको मैंने सैलरी पूरी की तो है पे, अब तो काम करना मेरे बेटे। टास्क लिस्ट, कैश रजिस्टर संभाल, अब कर रहा है काम। अभी मैं सोच रहा हूँ कि डिलीवरियाँ मंगवा लूँ, अच्छे खासे पैसे हो गए, क्या ख्याल है बॉयस। लेकिन सबसे पहले हम मंगवाएंगे डिलीवरी से पहले फ्यूल, फ्यूल देखें हमारे पास कितना है, फ्यूल सप्लाईज पड़ी हुई है। अच्छा मंगवा लेता हूँ 200 रुपये की ना, सॉरी यार बॉयस। और मैं थोड़ी बहुत चोरियाँ भी करता हूँ जल्दी से चल के, तो जैसे मुझे कुछ अमाउंट मिल जाए। इस गाड़ी का ट्रंक कहाँ से खुलता है भाई, इस गाड़ी में कोई ट्रंक ही नहीं है, ये इस गाड़ी का ट्रंक खुलेगा, मास्टर लॉक लगा हुआ है, हमारे काम का ही नहीं है। इसका इंटरमीडिएट लॉक है, घूम रहा है, थोड़ा सा और मिल गया भाई, $10 मिले। और इसका घुमाऊं अगर तो इस तरफ करके घुमा के देखता हूँ, घूम रहा है। हॉर्न यार बड़ा गंदा बजा के जाते हैं, ऐसे गंदे कस्टमर है ना ये, थोड़ा सा और रह गया यार। आंटी नहीं जाना, मिल गया पैसे मिल गए। अबे टूट गई पेनी यार, फक जाओ। इस गाड़ी का हमने चोरी कर चुके हैं, इस गाड़ी का नहीं किया, अभी इस गाड़ी का चोरी करते हैं। ये बिगनर लॉक है, ये तो खुल जाएगा, तो आराम से खुल जाएगा। चलो जी
सबर सबर सबर, ये यहाँ हो गया, सही हो गया बॉयज़। गाड़ियाँ फ्यूल भी हो रही हैं, जॉन भाई भी खड़े हैं, टेंशन नहीं है। अब जल्दी से मंगवाते हैं डिलीवरीज, डिलीवरी में जाता हूँ, प्रोडक्ट्स में जाता हूँ। तो भाई सॉफ्ट ड्रिंक्स भी ख़त्म हो चुकी हैं, सबसे पहले स्नैक्स मंगवाता हूँ, स्नैक्स कम है। ये चीज़ ज़्यादा चल रही है अपनी, ये चीज़ और ये चीज़, ठीक है। वेयर हाउस कितना हो गया, वेयर हाउस में भी बहुत जगह है। प्रिंकल्स एक और मंगवा लेता हूँ, और ये भी, चलो मैंने दो दो करके मंगवा लिए। और सॉफ्ट ड्रिंक्स में ये वाले भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, और ये भी। अल्कोहल में ये भी मंगवा लेते हैं, ये भी और ये भी, ये भी कर लेता हूँ। अब देखूँ वेयर हाउस में जगह कितनी है। 365 मतलब चीज़ें हमारी हो रही हैं, ये हमें कम करनी है, हमें इतना नहीं चाहिए होगा। मैं ये चीज़ कम कर देता हूँ, ठीक है। अब तकरीबन पूरा वेयर हाउस में हमारा सामान आ रहा है, वेयर हाउस की कैपेसिटी है ना, मैं उस हिसाब से मंगवा रहा हूँ, समझ रहे हो बात को। जल्दी से ऑर्डर कर देता हूँ। नो कैपेसिटी इन वेयर हाउस, क्यों भला, मुझे और चीज़ें कम करनी पड़ेंगी क्या? ये कम करूँ अगर, अभी भी वेयर हाउस में कैपेसिटी नहीं है यार। 392 हो गया है ऑलरेडी, कुछ ना कुछ उसके अंदर पड़ा हुआ है। पॉपकॉर्नस कम करूँ एक, अब मैं भी आ जाए, अभी भी नहीं आ रहा। तो बेलीस कम कर देते हैं, अब आ जाएंगे। चलो जी, आ रही हैं आंटी, सॉरी अभी अवेलेबल नहीं है, आ रही हैं। आंटी कह रही थी मुझे चिप्स चाहिए, सिगरेट्स भी नहीं मंगवाई क्योंकि डिलीवरी जगह ही नहीं थी ना। मुझे नहीं पता वेयर हाउस में ऐसा मेरा क्या माल पड़ा हुआ है, क्योंकि लगाने जैसा नहीं है। ये आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है यार, आइसक्रीम लग नहीं रही। आइसक्रीम जितनी लग चले ना, ये भी प्लेस एट, ये भी कर लेता हूँ। न्यूज़पेपर भी नहीं मंगवाई अभी तक, ये भी नहीं मंगवाया, सिगरेट्स भी नहीं है, चीज़ें बिक रही हैं वो तो है। फूल आ गया, ओ भाई गाड़ियों की तो लाइन लग गई है। फ्यूल जब तक भरता है हम जब तक चोरियां करते हैं। यार ये तो सर खा जाएंगे। डिलीवरी भी आ गई है, चलो हम जब तक चल के जल्दी से डिलीवरी ले लेते हैं पहले, और अपने शेल्फ फुल करते हैं, उसके बाद और डिलीवरियां मंगवाते हैं, उसके बिना मज़ा नहीं आएगा। जब तक ये फ्यूल वाला नहीं जाएगा ना, तब तक ये गाड़ियाँ नहीं जाएंगी। अब यार ये इतना सारा माल मेरे पास पड़ा हुआ, मुझे नहीं समझ में आ रही है क्या माल है, किस चीज़ का है। जल्दी जल्दी से लगे तो कुछ काम बने ना। खैर मैं वेयर हाउस को और अपग्रेड कर दूंगा, वेयर हाउस काम का है फिलहाल, गैराज जो है चल रहा है उस पर मामला। बहुत ज़्यादा माल मंगवा लिया मैंने, चल यार जा जल्दी जा, चलो चाचा चलो जल्दी से जाओ, मैं वेयर हाउस बंद करूँ। बॉयज़ भर गया है वेयर हाउस, अब मैं सोच रहा हूँ वेयर हाउस को अपग्रेड करूँ। चलो जी, टेलर तो देखें यार इसकी जो है, यार ये क्यों जा रहा है, जॉन चला गया कैश काउंटर छोड़ के, रिकार्डो साहब जो हैं वहीं पे बैठे हुए हैं। जॉन को यार मैंने सैलरी पूरी पे की तो थी, उसको मैंने रजिस्टर पे लगाया था, लग ना भाई क्यों जा रहा है वापस। गैराज वाले कस्टमर को मैं देखता हूँ, फ्यूल वाले पे रिकार्डो खड़ा हुआ है। यार ये गाड़ियाँ यहाँ अटक गई हैं, अब इनका क्या करूँ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा भाई। अस्सलाम वालेकुम मैडम, इनका क्या मसला है? एक टायर ख़राब है और दरवाजे पे स्क्रैच है। जल्दी से टायर चेंज कर देता हूँ। चलो जी, और दरवाजे पे स्क्रैच आ रहा है, इनके स्क्रैचर्स भी मेरे पास ख़त्म हो रहे हैं, जल्दी जल्दी से स्क्रैच ख़त्म कर देते हैं। मैडम का तो काम निपटा दें, बाकी हम अपनी चीज़ें मंगवाते रहेंगे। चलो जी, थैंक यू मैम।
मसला क्या आ रहा है कि अब जॉन की भी एनर्जी जा रही है, रिकार्डो की भी एनर्जी बिल्कुल ही जा रही है। रिकार्डो के हमारे पे 70 रुपये ड्यू है। जॉन नहीं आया काम करने, भाई चला गया। जॉन खुद वहाँ अटक गया है यार। अब ये काम करने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा कि मुझे पंप बंद करना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ठीक है बॉयज़, पेट्रोल पंप बंद किया, बल्कि पेट्रोल पंप बंद भी नहीं करता हूँ, खोल देता हूँ और यहाँ से ये मंगवाता हूँ मैं, कंफर्म कर देता हूँ रीसेट। अब आएगी एक स्पेस क्राफ्ट और सबको उड़ा के ले जाएगी। अब सारे कस्टमर, सब गाड़ियाँ चली गई, वो जो जलालत हो गई थी ना, गाड़ियाँ फंस गई थी, उनकी वजह से मैंने किया ये। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो रही है अजीब। अब जॉन इधर अलग फंस गया हुआ है। चल भाई रिकार्डो कहाँ है? रिकार्डो भी नहीं, रिकार्डो भी रेस्ट कर रहा है। अब मैं इधर जल्दी जल्दी से अपने प्रोडक्ट्स प्लेस करता हूँ। मैंने अब सारे सारे लगा दिए बॉयज, भर गया फुल शेल्फ। चलो जी, सब 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 लगा दिया मैंने, ठीक है ना बॉयज़। आइसक्रीमें भी लगी नहीं रही, और अजीब डीप फ्रीज़र ही छोटा है। मैंने ये भी सारी लगा दी, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज़ें मंगवाता हूँ। ये तो देखो अजीब, लोग मछलियाँ भी खा के यहाँ फेंक के जा रहे हैं, क्या अजीब, कोई तमीज़ ही नहीं है। मछली खा के कम से कम उठा के उसको फेंक के तो जाओ। अभी फ्यूल वाले को मैं बुलाता हूँ, फ्यूल भरेगा भाई वो। और रिकार्डो साहब जो है, वैसे ही एनर्जी, रिकार्डो नहीं, क्या नाम है ये, जॉन, जॉन वैसे ही लेस एनर्जेटिक हो रहा है। अच्छा यहाँ पे हो रही है स्मेल, सबसे पहले बुलाते हैं उस डिलीवरी वाली, गारबेज वाली गाड़ी को, ठीक है ना बॉयस। डिलीवरीज में जाके गारबेज, चल भाई आ जा। और डिलीवरी में जाके प्रोडक्ट्स में जाकर कार केयर की जो चीज़ें मंगवानी है मुझे, फ़िलहाल सब महंगी चल रही हैं। फ़िलहाल मैं यही मंगवा रहा हूँ, व्हील क्लीनर, ठीक है, एक व्हील क्लीनर मंगवा रहा हूँ। और कुछ नहीं मंगवाता, न्यूज़पेपर में से मंगवाता हूँ, ये वाली, ये वाली, ये भी, और ये भी, और ये भी, सही है। बाकी कुछ मंगवा लेते हैं स्नैक्स में से, हमें ये भी चाहिए और ये भी मंगवा लेते हैं। वेयर हाउस देखें, सही है, जगह आएगी। फिलहाल ये इतना सामान ऑर्डर कर देता हूँ। अबे क्या है हरामी, सफाई नहीं हुई ना थोड़ी सी, कर रहे हैं ना, आके रेटिंग गिरा के जा रहे हो तुम। आओ अपना गंद भी तुम ही करके जा रहे हो सारे हरामियों। आओ कैन यू वर्क हियर, वाह यार, फ्यूल पे कस्टमर्स हैं। थैंक यू मैन, फ्यूल अपने पास बहुत पड़ा है बॉयज, टेंशन नहीं है। थैंक यू मैम, और चाहिए होगा और मंगवा लेगा तुम्हारा भाई, टेंशन नहीं है। अरे कैश रजिस्टर शो नहीं हो रहा यार, हमें जो है ना काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, वर्कर्स पे हम इतना रिलाय नहीं कर सकते, समझ रहे हो। ये चीज़ रियल बिजनेस पे भी इम्प्लीमेंट होती है। थैंक यू मैम कि आप वर्कर्स पे इतना रिलाय नहीं कर सकते, आपको खुद करना पड़ता है सब। वर्कर्स के आसरे लगे तो गए, थैंक यू मैम। चलो ये तो हो गया सब, पैसे भी ठीक ठाक हैं। अभी डिलीवरी वाली गाड़ी पहुंच गई है, ये भी सारे जा रहे हैं। कस्टमर गैराज वाले को भी देखता हूँ, पहले डिलीवरी ले लेता हूँ। और अपना दुकान पहले भरी भी होनी चाहिए ना, जो माल चल रहा है, समझ रहे हो। गैराज वाले कस्टमर को भी देख लेते हैं, बाकियों को भी देख लेते हैं। बाकी ये दोनों वर्कर मेरा ख्याल है यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, हराम ही एक वो बैठा हुआ है कि ये, इनकी तो मैं अच्छी सी खबर लेता हूँ। जल्दी से डिलीवरी उठाते हैं, मैं वेयर हाउस में लगाते हैं। काम बहुत ज़्यादा है बस करने वाला वो बंदा, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत बिजनेस है भाई, बहुत बिजनेस है, मैं बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, फेवरेट चीज़ है। चलो चाचा जल्दी से जाओ यार, तुम चाचा बैठे रहा करो, तुम उतरने की कोशिश, ज़रूरत नहीं है आपको चाचा,
आप बिला वजह तकलीफ़ करते हो उतर उतर के ना। जल्दी से जाओ तो हम अपना बंद करें। चलेगा, चलो जी अब चलते हैं जल्दी से हम गैराज वाले पे। लेकिन हमारे पास सामान तो इतना है नहीं, गैराज वाले को निपटाते हैं। आंटी आई हुई है आई थिंक, ज़बरदस्त। क्या मसला है इनकी गाड़ी में? खाली एक टायर ख़राब है, दो टायर ख़राब है, एक टायर ख़राब है। मुझे इधर गैराज की भी डिलीवरी मंगवानी है असल में। पैसे ज़्यादा होंगे ना और वेयर हाउस बड़ा होगा ना, सारी डिलीवरियाँ मंगवा के भाई तुम्हारा रख लेगा। अभी बस एक काम करते हैं, वेयर हाउस बड़ा करते हैं, उसके बाद पैसे ग्राइंड करेंगे और बस समझो चलता रहेगा काम। चलो फ्यूल पे दो दो कस्टमर हैं, इनको पहले फ्यूल भर देता हूँ मैं जल्दी से। थैंक यू मैन, सेम टू यू। फ्यूल अभी मेरे पास काफ़ी सारा है। अच्छा मैं चोरियां भी तो नहीं कर रहा ना, चोरियां मैं तब कर सकता हूँ जब मैं फारिग हूँ। कैश काउंटर भी मैं देख रहा हूँ, सब मैं देख रहा हूँ कि मैं कहाँ से कर सकता हूँ। बोतल नीचे गिर जाती ना अभी मसला हो जाता। थैंक यू मैन। अबे जाओ यार, जाने वाली करो, दूसरों को आने दो, देर हो रही है, यहाँ टाइम नहीं है हमारे पास, काम बहुत है करने को। थैंक यू मैम। बॉयज अभी मैंने नई चीज़ मंगवाई है, कार पार्ट्स और न्यूज़पेपर्स, आप लोगों को वो भी चीज़ दिखाता हूँ लगा के, चेक करना ज़रा कैसी लगती हैं, लोग खरीदते हैं नहीं खरीदते, देखते हैं क्या रेस्पॉन्स आता है। सॉरी यार बॉयज, जल्दी से मैं यहाँ पे भरता हूँ। ओ भाई मैंने इतने सारे मैगजीन मंगवाए हैं, बड़ा वाला ख़रीदा था मैंने। जा यार जा, काम कर अपना, जगह ही नहीं है भाई, फुल हो गए, सारे न्यूज़पेपर लगा दिए। कार पार्ट्स में मैंने ये मंगवाए थे, ये सारे लगा देता हूँ। चलो आइसक्रीम में क्या लग रहा है, चलो जी अब जो जितना बिकेगा क्या कर सकते हैं। अब देखते हैं नए कस्टमर आते हैं तो वो न्यूज़पेपर या कुछ ख़रीदते हैं, कार पार्ट्स। थैंक यू मैन। फ्यूल पे कोई कस्टमर नहीं है, गैराज में कस्टमर है, उसको देखता हूँ मैं जाके। बॉयज वर्कर्स अगर पे लेते हैं ना तो उससे अर्निंग भी अच्छी होती है, काम डिवाइड हो जाता है, समझ रहे हो। थैंक यू मैन। स्मेल वगैरह हो रही है मुझे लग रहा है। चलो जी थैंक यू। फ्यूल पे आइए गाड़ी। गैराज वाले कस्टमर को फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी चोरियाँ करनी है। थैंक यू। चलो जी जल्दी से चलते हैं, चोरी चकारी करते हैं थोड़ी सी। ये चाचा की गाड़ी है लेकिन मैं चोरी कर लेता हूँ जल्दी से। चलो जी $4 मिल गए और इसकी गाड़ी से, ये बंदी है ना इसी गाड़ी में सही पैसा होगा। बिगनर लॉक है, क्या हो गया? खुल रहा है सबर। चलो जी $6 और इसमें ये मास्टर है यार, ये नहीं खुलेगा, मास्टर लॉक थोड़ा मुश्किल से खुलते हैं। ट्रक्स में तो है ही नहीं कुछ, फ्यूल में कस्टमर है भाई। अभी मुझे बॉयज दो दो वर्कर्स उसके बाद हायर करने पड़ेंगे, जब मैं तीसरा फ्यूल स्टेशन अपना बड़ा कर दूंगा ना मसला बन जाएगा, समझ लो। थैंक यू फॉर शॉपिंग। थैंक यू मैम। सफाई सुथराई कर देते हैं जल्दी जल्दी से। अब पार्किंग बड़ी करूं या मैं सबसे पहले अपग्रेड करने की सोच रहा हूं अपना वेयर हाउस, जैसे मैं माल मंगवा के रखूं। अबे यार बस आ गई बॉयज़, पार्टी बॉयज़ की बस आ गई है,
और मैं जल्दी से वर्कर्स को लगाता हूँ काम पे, उसके बिना नहीं चलेगा ये काम। ये लोग आएंगे गंद भी ज़्यादा करके जाएंगे। अब मैं जल्दी से जाता हूँ एम्प्लॉयज़ पे, दोनों एनर्जेटिक हैं। स्टार्ट टॉकिंग पेमेंट, इसको पे कर देता हूँ फुल, इसको पे कर दिया। और जॉन को लगाता हूँ मैं कैश काउंटर पे, ठीक है, हैंडल द कैश रजिस्टर। और इसको लगाता हूँ, इसको पहले पे करना है ना, इसको भी पे कर देता हूँ फुल पे कर देता हूँ। और इसको मैं लगाता हूँ फ्यूल पे। अब ये दोनों वर्कर लगे पहले काम पे, मैं करता हूँ थोड़ी बहुत सफाई, मेन काम मैंने इनको थमा दिया, ये करेंगे तो सही रहेगा। पार्टी बस आई है, पार्टी बॉयज आए फुल, ये बहुत ज़्यादा माल खरीदते हैं। अब हमारे पास अच्छा खासा पैसा आएगा देखना। दोनों वर्कर आ रहे हैं ना, यहाँ की मैं सफाई कर देता हूँ वॉशरूम की, थोड़ी सी रेटिंग अच्छी मिलेगी ना बॉयज, लेवल जल्दी जल्दी अप होगा। आ जाओ, आ जाओ भाई, जॉन भाई आ जाओ, रिकार्डो भाई आप भी आ जाओ, मेरी हेल्प करो फास्ट। हम सफाई रखते हैं जैसे हमारी रेपुटेशन अच्छी रहे। पार्टी बॉयज की बस आती है ना, अच्छा खासा मार्जिन देके जाती है बस, समझो। केले वेले के छिलके बूतनी वालों ने यही फेंक दिए। जॉन भी लग गया काम पे, रिकार्डो भी काम पे लग रहा है बस अनकरीब। अबे हरामी नाटकबाज, आ रहा हूँ। नाक पे हाथ रख के खड़ा हो गया जी, ऐसे हरामी है बॉयज, देख रहे हो ना। चलो जी, पार्टी बॉयज बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, नो कस्टमर कैश रजिस्टर पर है, पैसा ही पैसा होगा, अंधा पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। न्यूज़पेपर सेल हो रही है भी पता पड़ जाता है। ओ भाई सेल हो रही है न्यूज़पेपर भी, जल्दी जैसे ये वाला आर्टिकल प्लेस करता हूँ, और ये आर्टिकल भी सेल हो रही है भाई चीज़ें, वाह यार, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। अरे रिकार्डो काका कर रहे ना काम ज़बरदस्त। अरे हम जब तक चोरी क्यों ना करें थोड़ी सी, ये चीज़ सही है ना। देखो अब इन्वेस्टमेंट है यार, ये मास्टर लॉक है, इन्वेस्टमेंट है तो जो है पैसा भी डबल पे बाहर है, ये बिगनर लॉक है। चलो जी $5 मिले, ये भी बिगनर लॉक है। $6 मिले। अब सोच रहा हूँ मैं क्या अपग्रेड करूँ, वेयर हाउस। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। चलो जी सफाई घुमा देते हैं जल्दी जल्दी से, जैसे ये लोग कमेंट्स बुरे ना दें। अबे भाई चीज़ें तो वाकई में ख़त्म हो रही हैं बॉयज़, आइसक्रीम थोड़ी बहुत खाली हुई। आइसक्रीम का यार डिफ्रीज़र बहुत छोटा है, ये मुझे बड़ा लेना पड़ेगा आइसक्रीम का डिफ्रीज़र जो है ना। दाढ़ी के प्रोडक्ट्स कोई नहीं खरीद रहा, खरीद रहे हैं लोग, मुझे आइडिया नहीं हो रहा उसका। पार्टी बॉयज सारे जाएंगे ना, हम फिर कुछ ना कुछ करेंगे। मैं जब तक जल्दी से जाके गैराज वाले कस्टमर को देख के आता हूँ। हमारे पास फ्यूल कितना पड़ा है, फ्यूल की डिलीवरी मुझे लग रहा है मंगवानी पड़ेगी, फ्यूल जा रहा है आई थिंक, डिलीवरी फ्यूल सप्लाई, फ्यूल पड़ा हुआ है लेकिन अभी फ्यूल की नहीं। डिलीवरी में जाके प्रोडक्ट्स मंगवाता हूँ मैं, उसमें मैं मंगवाता हूँ सॉफ्ट ड्रिंक्स चाहिए यार, एक तो ये, और ये वाली रह गई थी, ये वाली भी कर देते हैं। स्नैक्स रहे, हाँ प्रिंगल्स चाहिए, और ये भी, ये भी। अब देखता हूँ कितना बनता है। नहीं वेयर हाउस फुल है यार, वेयर हाउस फुल हो रहा है अजीब, पता नहीं क्यों, अभी भी फुल है थोड़ा सा, अब सही है, अभी भी फुल है, 353 पे जा रहा है। कितने का ऑर्डर लगा, अच्छा वेयर हाउस की अपग्रेड देखते हैं ना कितने की है। $973 की, अच्छा $400 की अपग्रेड है, तो मैं इसको अपग्रेड कर देता हूँ यार। कंजर आया, कंजर वेयर हाउस को मैंने अपग्रेड कर दिया है, और वो लड़का आया हरामी वाला यार, वो तस्वीरें बना के जाएगा। अबे ये देखो ये क्या है, उस लड़के को मारता हूँ, तो पीछे से आवाज, ये नहीं नहीं नहीं
यार वो लड़का कहाँ है, भाग गया। पार्टी बस चली गई, जा रही है। कमीने का बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया। हम गैराज वाले कस्टमर को देख लेते हैं। चीज़ें हमारे पास कम है यार, टायर भी तीन पड़े हुए हैं और ये मिरर भी पड़े हुए हैं और ये भी कम है। फिर इनका क्या किया है, इनको एक टायर चेंज करवाना है। सफाई हमें गैराज की भी करनी पड़ेगी, बल्कि हम अभी गैराज को भी अपग्रेड करते हैं, उसके बाद इसमें इंजन विंजन के भी काम आएंगे, लेकिन हम वर्कर लगा देंगे। सही ना वॉइस, फुल ट्रैश, डस्टबिन फुल हो गया, उससे हमारी रेटिंग गिरेगी। थैंक यू मैन, जल्दी से डस्टबिन खाली करते हैं। चलो जी, डिलीवरी आई है, आई है डिलीवरी, आई है। हमारे वर्कर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाय द वे वेयर हाउस मैंने फुल अपग्रेड कर दिया बॉयस, फुल नहीं पता नहीं कितने लेवल्स हैं, लेकिन मैं हैंड टू हैंड अपग्रेड करता जा रहा हूँ। वेयर हाउस की हमें सबसे ज़्यादा नीड है, समझ रहे हो बात को, वेयर हाउस की सबसे ज़्यादा नीड है आपको। ओके थैंक यू बॉस। चाचा आप उतरा नहीं करो, आपसे मैंने 100 दफ़ा कहा है। बॉयज यार आप लोग चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। आई नो कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब वेयर हाउस गेट बंद कर दिया, कस्टमर एट फ्यूल तो वो देख रहा है, और हमारा वर्कर यहाँ भी लगा पड़ा है। गंद बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा जॉन जब तक फारिग खड़ा है, क्यों ना जॉन को सफाई पे लगा दें। एम्प्लॉय में जाके जॉन को हम टास्क दे देते हैं, क्लीन करो स्टेशन को आप, रिकार्डो फ्यूल पर ही लगा रहे। तो बॉयज़ यहाँ से अब एक काम करते हैं, अगर हम डेकोरेशन में जाते हैं आउटडोर, तो मैं यहाँ से कुछ ना कुछ डेकोरेशन भी परचेज करता हूँ। सपोर्ट सपोज मेड फ्रॉम रिकवर्ड वुड, चलो मैं ये बाय कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे एक बेंच लगा देते हैं, और क्या क्या है भाई, हनी बी येलो, नहीं ये तो अजीब डेकोरेशन आ रही हैं, ये नहीं करनी भाई मुझे, मैं इस ये डेकोरेशन की बात नहीं कर रहा। इंडोर नहीं, फीचर्स मुझे चाहिए अदर्स। हाँ टॉयलेट बड़ा करना था, पार्किंग मिल रही है ये वाली, पार्किंग फिलहाल ये वाली नहीं लेते, टॉयलेट बड़ा कर देते हैं, टॉयलेट की नीड है, ठीक है ना बॉयस। और फ्यूल डिस्पेंसर अभी नहीं लगाता यार, फिर बढ़ जाएगा मामला, जब बाय कर लूँ। फिलहाल थोड़ा पैसों की भी शॉर्टेज है। और ये बोल रहा है कि आप यहाँ पे फ्यूल डिस्पेंसर ही लगाओ, लेकिन नहीं, बस हमने जितनी अपग्रेड्स की हैं फिलहाल उतनी बहुत है। जॉन सफाई कर रहा है, यहाँ आइए। फ्यूल डिस्पेंसर को मैं आगे देखूँगा, या सोच रहा हूँ मैं लगा ही दूँ, क्योंकि एक बंदा मैंने यहाँ खड़ा किया हुआ है ना वर्कर, तो इसीलिए। अच्छा मैं जब तक यहाँ देख लेता हूँ, चलो मैं फ्यूल डिस्पेंसर अपग्रेड करके ही चलता हूँ। थैंक यू मैन, फ्यूल डिस्पेंसर जो है मैं अपग्रेड करके ही चलता हूँ, ठीक है ना बॉयस। फ्यूल डिस्पेंसर काम का, जितने ज़्यादा कस्टमर आएंगे उतना ज़्यादा जो है हमारा काम अच्छा होगा। चलो जी, तीसरा फ्यूल डिस्पेंसर भी लग गया, अब रिकार्डो जो है सबको पेट्रोल भर के देता रहेगा। चलो जी, ये मैडम आई हुई है। तो यार बॉयज़ आज मैंने काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड्स करी, शेल्व्स नहीं खरीदे मानता हूँ, शेल्व्स भी खरीद लूँगा आगे। अब जो है बाकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपग्रेड करी, वर्कर भी लगाए, पैसे ग्रैंड भी किए बहुत ज़्यादा, फ्यूल भी भरा। तो अब अच्छा बेंच मैंने कहाँ लगाई है, ये लगाई थी, ये रही बेंच, बेंच भी लगाई। अब नेक्स्ट एपिसोड में आगे गेम को कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अभी चैलेंज तो बहुत बड़ा है, मैं पूरा करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको करके आगे जो भी अपडेट होगी वो आप भाइयों से शेयर करूंगा। तो यार आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करो, उसके बाद चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो लाइक करो, भाई को सपोर्ट करोगे तो मज़ा आएगा ना यार। और मैं बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे गेम प्ले लाता रहूँगा, दूसरी गेमों के भी लाऊँगा, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। तो बने रहो भाई के साथ, बस सपोर्ट करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।
बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग सपोर्ट करते हो जितना भी थोड़ा बहुत, अल्लाह आपको भी खुश रखे। तो मिलता है भाई आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।